रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि गोल्ड फॉइल्स ली थी 8000 अल्फा पार्टिकल बम पार्टिकल, जिसमें से एक पार्टिकल निकल जो था वो डिफ्लेक्ट होकर वापस आया 7999 पास आउट हो गए। तो उसने कहा कि सेंटर जो है एटम का उसके अंदर कोई चीज़ होती है न्यूक्लियस और बाकी चीज़ें पास हो गई, और उसने कहा था कि सेंटर चीज़ पॉजिटिव होती है। यहाँ तक तो सही था, लेकिन गलत उसने बात क्या बोली थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते होते एक वक्त आता है कि किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी खामी थी। किसकी खामी थी भाई? रदरफोर्ड की, जिसको किसने दूर किया? नील बोर। अब देखो एग्जाम के लिए ऐसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े टेक्निकल क्वेश्चन आने वाले हैं। नील बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, जिनको एनर्जी लेवल कहते हैं, और जब तक ये एनर्जी लेवल में ऑर्बिट करते रहेंगे इनकी एनर्जी सेम होगी। हाँ, इनकी एनर्जी कब चेंज होगी? अगर लो से हाई में जाते हैं, फर्ज करो यहाँ एन की वैल्यू 1 है, पहले शेल से दूसरे शेल में जाते हैं, तो ऐसा तब हो सकता है जब एनर्जी गेन करें, और हाई से लो में आ रहे हैं यानी सेकंड से 1 में या थर्ड से सेकंड में, तो ऐसा तब मुमकिन है जब ये एनर्जी लॉस करें। किसने कही थी ये बात भाई? नील बोर भाई ने।